चट्टान पर था भूतों का साया। रात में आती थी अजीब आवाज, सुशांत को सताते थे डरावने ख्वाब। सुशांत केस का भूतिया कनेक्शन, नौकर का कबूलनामा कितना सच। रिया सुशांत के वो 15 डेज, भूतिया फ्लैट का खुलेगा गेट। सुशांत केस में डायन की एंट्री, सीबीआई सुलझाएगी नई मिस्ट्री। तो क्या है सुशांत सिंह राजपूत का भूतिया कनेक्शन, आपको बताएंगे आगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट किया है, सीबीआई की जांच पर उन्होंने संतोष जताया है, सीबीआई जांच से सच सामने आएगा, ये कहा है श्वेता सिंह कीर्ति ने। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, श्वेता सिंह कीर्ति का ये ट्वीट है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन है श्वेता, उन्होंने सीबीआई की जांच पर संतोष जताया है। अब तक जिस दिशा में जांच बढ़ रही है, जिस तरह लोगों से पूछताछ चल रही है, श्वेता सिंह कीर्ति को इस बात की पूरी उम्मीद है कि सच सामने आएगा। और इसे ट्विटर पर लिखा है सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह लगातार सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रही है। तमाम किरदार जो सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े हुए हैं, उनसे एक एक करके पूछताछ हो रही है, अलग अलग पूछताछ हो रही है, एक साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो रही है। और इन सब के बीच ये ट्वीट हम आपको बता रहे हैं, श्वेता सिंह कीर्ति जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन है, उन्होंने मुहिम चलाई थी सीबीआई जांच की मांग को लेकर, और लगातार सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले इसके लिए सक्रिय हैं सोशल मीडिया पर। उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि जिस तरह ये जांच आगे बढ़ रही है, सुशांत को इंसाफ जरूर मिलेगा, ये उम्मीद बढ़ गई। आइए बढ़ते हैं आगे। मेरे आसपास जो आप ये पूरा सीन देख रहे हैं, ये किसी भूतिया महल या हवेली का दृश्य नहीं है, बल्कि ये सीन सुशांत के उस फ्लैट का बताया जा रहा है, जिस भूतिया कहानी ने हर तरफ खलबली मचा दी है। सुशांत केस में फुल एक्शन में सीबीआई है, सुशांत के हर राजदार से लगातार पूछताछ हो रही है, और इस पूछताछ में कई नए खुलासे भी हो रहे हैं। और अब जो खुलासा हुआ है वो बेहद हैरान कर देने वाला है, क्योंकि वो खुलासा सुशांत के उस हॉरर हाउस का बताया जा रहा है, जिसकी कहानी ने सीबीआई को उलझा सा दिया है। आखिर क्या है उस हॉरर हाउस की कहानी, क्या है उस हॉरर हाउस का राज, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पूरे देश की निगाहें जिस केस पर हैं, सीबीआई उस केस की एक एक कड़ी जोड़ रही है। जैसे जैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी के कई ऐसे रहस्य सामने आ रहे हैं जिन्हें सुनकर सीबीआई भी हैरान है। उनकी जिंदगी की कहानी में भी उतने ही रहस्य हैं, ऐसे रहस्य जिनमें छिपी है मोहब्बत, फरेब और भूत प्रेत की दास्तान। वो दास्तान जिनका रिश्ता है सुशांत के उस फ्लैट से जो उन्होंने अपनी मौत से कुछ दिन पहले ही छोड़ा था। कैप्री हाइट्स, पाली हिल्स, मुंबई, ये वो बिल्डिंग है जिसके बारे में सुशांत के नौकर नीरज ने सीबीआई के सामने बेहद ही हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। सुशांत का नौकर नीरज साय की तरह उनके साथ रहता था। नौकर के मुताबिक यहाँ रोजाना ड्रम बजने की आवाजें आती हैं। यहाँ रोजाना रात में लिफ्ट अपने आप ऊपर नीचे आती जाती थी। यहाँ कमरे की लाइटें अपने आप ऑन ऑफ होती थी।
जहां आधी रात घर का वॉकी टॉकी अपने आप बोलने लगता था। सुशांत के घर में एक अजीब सा खौफ दिन रात साथ साथ चलता था। हर वक्त किसी के होने का एहसास, हर वक्त कोई डरावनी सी आवाज दिल को खौफ से भर देती थी। सुशांत के नौकर नीरज का यह खुलासा बेहद सनसनीखेज है। सीबीआई के सामने नीरज ने जो कुछ भी बताया है उसका पूरा बयान हम आपको सुनाएंगे। सुशांत के नौकर नीरज का यह खुलासा आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सुशांत की जिंदगी की इस डरावनी कहानी का रिश्ता पाली हिल्स के जिस कैप्री हाउस से है, यहाँ के छठे और सातवें माले पर सुशांत का फ्लैट था। सुशांत सिंह राजपूत के कुक नीरज सिंह का कहना है कि सुशांत के पुराने घर में अपने आप ड्रम बजना, लिफ्ट का ऊपर नीचे आना और कमरे की लाइट अचानक बंद हो जाना जैसी तमाम घटनाएं अक्सर होती थी। जब सुशांत सर पाली बाजार में कैप्री हाइट्स बिल्डिंग में रहते थे, 2019 में मैंने सुशांत सर के साथ यहाँ हाउसकीपिंग स्टाफ के तौर पर काम करना शुरू किया था। मैं घर की साफ सफाई, कुत्तों को टहलाना, सर को चाय खाना देता था। सर का पुराना वाला घर भूतिया था, जिसकी वजह से सुशांत सर माउंट ब्लैंक अपार्टमेंट में दिसंबर 2019 में शिफ्ट हो गए थे। मतलब नीरज जिस घर की बात कर रहा है वो घर पाली बाजार के कैप्री हाइट्स अपार्टमेंट में था। नीरज ने आगे बताया कि उस घर के सभी स्टाफ को वॉकी टॉकी सेट्स दिए गए थे, जिसके जरिए सर हमसे काम को लेकर बात करते थे। वहीं एक रात कुछ ऐसा हुआ जो कि बेहद अजीब था। वॉकी टॉकी में सर की आवाज आई और कहा कि नीरज लाइट बंद कर दो। जब मैं लाइट बंद कर और लेट गया, थोड़ी देर बाद फिर से वही आवाज आई और फिर मैंने दोबारा जाकर देखा तो लाइट्स बंद थी और सर सो रहे थे। ऐसा देखकर बताया जाता है कि इसी के बाद से सुशांत सिंह राजपूत ने इस घर को छोड़ दिया और करीब 2 महीने के लिए वाटरस्टोन रिजॉर्ट में रहने लगे। नवंबर 2019 को बांद्रा के माउंट ब्लैंक अपार्टमेंट में छठी और सातवीं मंजिल के 4 फ्लैट 2022 तक लीज पर लिए गए थे। ये फ्लैट ड्यूप्लेक्स था, जिसमें सुशांत और रिया ऊपर के फ्लोर पर रहते थे और नीचे के फ्लैट में उनका स्टाफ रहता था। गौरतलब है कि सीबीआई की एक टीम पूछताछ के लिए वाटरस्टोन रिजॉर्ट भी पहुंची। यह वही रिसॉर्ट है जहां पर सुशांत ने कैप्री हाइट छोड़ने के बाद 2 महीने तक रिया के साथ रहे थे, लेकिन सीबीआई के टीम को इस रिसॉर्ट में घुसने की परमिशन नहीं दी गई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक मिस्ट्री बनकर उलझ गई। रोजाना हो रहे नए नए खुलासे इस केस में नया मोड़ ला रहे हैं। सीबीआई सरगर्मी से केस की जाँच कर रही है, सुशांत के स्टाफ से लगातार पूछताछ हो रही है। रिया चक्रवर्ती के पास सीबीआई ने पूछताछ को लेकर समन भेजा है। किसी भी वक्त सीबीआई रिया से पूछताछ कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। 70 दिन, हजारों सवाल, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ने सुशांत केस की जांच को इस कदर भटका दिया कि उसे रास्ते पर लाने में अभी सीबीआई को भी समय लगेगा, लेकिन इंसाफ की उम्मीद जाग गई है। सीबीआई ने अपनी पूछताछ का सिलसिला उसी चौकड़ी से शुरू किया जो मौत के दिन घर में मौजूद थी। चौकड़ी से पूछताछ में बयानों में बार बार बदलाव सीबीआई के लिए सबूत बन गए और अब सीबीआई पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच में जुट गई है। इसके बाद बारी रिया चक्रवर्ती की होगी, जिसे पूछताछ के लिए समन भेजा गया है और अब जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की उम्मीद दिखी जा रही है। सत्तर दिन से इंसाफ का इंतजार, अब तक कोई नहीं हुआ गिरफ्तार। सीबीआई जांच का 4th दिन, आ गया कातिलों की गिरफ्तारी का दिन। सुशांत की मौत से जुड़ी हर गुत्थी, हर साजिश, हर राज बार बार घूमकर रिया पर जाता है, लेकिन 70 दिन में उसे गिरफ्तार करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया।
शायद किसी आका का हाथ उसके सिर पर है। लेकिन अब सीबीआई ने रिया को गिरफ्तार करने का मन बना लिया है। उसके लिए सवालों की फहरिश तैयार कर उसकी गिरफ्तारी का प्लान बना लिया है। जिस तरीके से ईडी और बिहार पुलिस ने खुलासा किया, उसके बाद अब पूरे मामले में सीबीआई सामने आ चुकी है और सीबीआई के सामने किसी भी सूरत में उसकी पूरी कलई खुलना साफ हो चुका है। और वजह यही है कि जो देखा होगा पिछले 70 दिनों से जो मुंबई पुलिस से लगातार वाबस्ती रही थी, वो लग रहा था कि मुंबई पुलिस सपोर्ट कर रही है, मुंबई पुलिस कुछ नहीं करेगी, लेकिन उसे अब इस बात का समझ में आ चुका है कि सीबीआई जो है वह तमाम तरीके से पूछताछ कर रही है। पूछताछ इस तरीके से है कि किसी भी सूरत में अब रिया का बचना जाहिर सी बात नामुमकिन है, और यही वजह है कि रिया के पास कभी भी सीबीआई पहुंच सकती है और कभी भी रिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है। 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने के बाद से रिया ने क्या क्या किया करीब करीब साफ हो चुका है। संदीप सिंह के साथ जब वो सुशांत का शव मॉर्चरी में देखने गई तो उसने सुशांत को बोला भी, बाबू मुझे माफ कर देना। सुशांत की प्रॉपर्टी पर उसकी और उसके परिवार की नजर थी ही। महेश भट्ट का रोल भी सवालों के घेरे में है। सीबीआई 4 दिन से सुशांत के घर में मौजूद उन 4 लोगों पर शिकंजा कस चुकी है। केशव, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावन, नीरज और रजत मेवाती से सीबीआई लगातार सवाल कर रही है। अब जांच की दिशा बदलने वाली है और रिया शिकंजे में आने वाली है। तो रिया की आजादी के दिन खत्म हो गए हैं, बस सुशांत के फैंस को उनकी गिरफ्तारी और कबूलनामे का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। आरोप सुशांत के ऊपर तंत्र मंत्र के प्रयोग के भी लगे, हालांकि अभी तक यह सिर्फ आरोप हैं। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आ चुका है जिसमें रिया खुद सुपर नेचुरल पावर का जिक्र कर रही है, आप देखिए। सुशांत को वश में करने के लिए रिया करती थी तंत्र साधना। सुशांत के फ्लैट पर रिया चक्रवर्ती का काला जादू। तंत्र मंत्र षड्यंत्र में उलझी सुशांत की मौत की पहेली। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को करीब 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन उनकी मौत सवालों से उभर नहीं पा रही और एक बड़ा तबका आज भी मानने को तैयार नहीं कि वो सुसाइड था। ज्यादातर लोग यही मान रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। रोजाना जांच में नए नए पहलू जुड़ते जा रहे हैं। पैसा, प्यार, नेपोटिज्म और न जाने क्या क्या उनकी मौत के पीछे की वजह बताई जा रही है। इसी बीच एक नया पहलू सामने आ रहा है और वो ये कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने उन पर काला जादू कर उन्हें अपने वश में किया हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में जब से बिहार पुलिस ने जांच शुरू की है तब से लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। मामले से जुड़े कई बड़े लोगों से लगातार पूछताछ हो रही है। वहीं सुशांत की बहन मीतू ने अपने स्टेटमेंट में पुलिस को कई चौंकाने वाली बातें बताई हैं। सुशांत की बहन मीतू का कहना है, रिया ने सुशांत के क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट पर कब्जा कर लिया था। इतना ही नहीं, वो इलाज के नाम पर अपनी माँ के साथ मिलकर तांत्रिक को सुशांत के घर पर बुलाती थी और काला जादू करती थी। सुशांत की बहन मीतू सिंह से मुंबई में मौजूद बिहार पुलिस ने पूछताछ की है। करीब 4 घंटे बिहार पुलिस ने मीतू सिंह के बयान दर्ज किए। वहीं सुशांत के दोस्त नीलोत्पल ने जादू टोने के आरोपों की जांच की मांग की है। सुशांत के दोस्त नीलोत्पल कहते हैं, सुशांत के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है, जादू टोने वाली बात की भी जांच होनी चाहिए। सुशांत की बहन मीतू सिंह से बातचीत के बाद जब बिहार पुलिस ने सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे से पूछताछ की तो अंकिता ने रिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि फिल्म मणिकर्णिका के रिलीज के समय सुशांत और मेरी बात हुई थी। इस दौरान सुशांत काफी इमोशनल हो गए थे। सुशांत ने मुझे बताया कि रिया के साथ रिलेशनशिप में वो परेशान हो चुके हैं और इसे खत्म करना चाहते हैं। अंकिता के मुताबिक रिया सुशांत को परेशान कर रही थी जिससे वो डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे। रिया जादू टोने पर भरोसा करती थी, वो उसका इस्तेमाल करती थी,
इस बात की तस्दीक रिया का एक वीडियो भी करता है। Do you believe in superpowers? So opinions and superpowers, right? That's all I had. But please, please, please don't question your superpower because it exists in each one of y'all. It's there. Figure out what it is. ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या रिया ने सुशांत पर काला जादू कर उन्हें अपने वश में किया हुआ था? वो जैसा चाहती थी सुशांत वैसा ही करते थे। प्यार के नाम पर क्या रिया ने सुशांत का फायदा उठाया? क्या पैसे के लिए रिया ने सुशांत के साथ प्यार का ड्रामा किया? क्या सुशांत की मौत की वजह गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती हैं, या फिर रिया को मोहरा बनाकर बॉलीवुड के नामदारों ने सुशांत को सुसाइड के लिए उकसाया? ऐसे ही न जाने कितने सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं, लेकिन जवाब एक का भी नहीं है। रिया कहां है किसी को नहीं पता, लेकिन जब रिया सामने आएंगी, जांच में पुलिस का साथ देंगी, तो उम्मीद है कि सुशांत की मौत की हकीकत लोगों के सामने आ सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आगे बढ़ने से